एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सभी चिंतित हैं। एक तरफ खेतों में जलाई जा रही पराली और दूसरी तरफ प्रदूषण को और अधिक प्रभावित करने वाले दीपावली के त्योहार के दौरान प्रयोग की जाने वाली आतिशबाजी, जो एक तरफ खुशी का माहौल दर्शाती है तो वहीं छोटे बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो रही है। और इस पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ने के लिए स्कूली बच्चे जागरूकता अभियान के लिए सामने आ रहे हैं। बदलते मौसम के साथ एनसीआर में हरियाली कम होने के कारण हवा में नमी की मात्रा कम हो रही है, जिससे हवा में मिश्रित होने वाला जहरीली गैसें एक खतरनाक पॉल्यूशन की स्थिति पैदा कर रही है। दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन गुरुग्राम में देखा गया है, क्योंकि कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतें तो बना दी लेकिन शुद्ध हवा के वातावरण को नजरअंदाज कर दिया गया, जो आज हमारे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अक्सर कहा जाता है कि दीपावली पर आतिशबाजी करने के लिए छोटे बच्चे जिद कर रहे थे, जिस कारण से हमने आतिशबाजी की, लेकिन गुरुग्राम में बढ़ते पॉल्यूशन से लड़ने और दीपावली पर आतिशबाजी न करने के लिए स्कूलों में ही अध्यापकों द्वारा छोटे बच्चों को बढ़ते पॉल्यूशन के प्रति जागरूक कर आतिशबाजी न करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिससे आम जनता यह न कह सके कि आतिशबाजी के लिए छोटे बच्चे जिद कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि क्या छोटे बच्चों द्वारा पॉल्यूशन के प्रति सचेत होना सही होगा। दीपावली में इसी तरह पॉल्यूशन की मात्रा में इजाफा होगा। राजीव कुमार, मैनेजर लायंस पब्लिक स्कूल। आज हमने अपना एनुअल फीचर स्वप्निल रंग 2018 का सफलतापूर्ण आयोजन किया। इसकी थीम थी प्रदूषण मुक्त दिवाली। गुड़गांव में, जैसे सबको मालूम है कि गुड़गांव में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज़्यादा है और ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हमने लोगों को, बच्चों को, हमने ये जागरूक किया कि आप प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, गो ग्रीन, से नो टू पॉलिथीन। बच्चों को जागरूक किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमने तो ये कहा कि जितने आपके घर के सदस्य हैं, अगर चार सदस्य हैं और चार एसी हैं घर में, तो आप कम से कम 8 पौधे लगाएं। अगर आपके घर में जगह नहीं है, पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, खुले मैदान में लगाएं, जाके जंगल में लगाएं, पौधे जरूर लगाएं, पर्यावरण बचाएं और आने वाले बच्चों का जीवन यापन के लिए कुछ। बच्चों को टीवी, अगर मीडिया रिपोर्ट्स ठीक मानी जाए, जस्ट टीवी। और पोल्यूशन का हाल यह है कि जो 50 पे होना चाहिए एयर इंडेक्स, वो 500-700 तक चला जाता है। तो ये कहते हैं कि ये इतना होता है कि जैसे आदमी एक दिन में 40 सिगरेट पी रहा हो। और लंदन का एक सर्वे आया पिछले दिनों में कि वो जो कह रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने जन्म लेना है उनको भी पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, और बाकी भी यूएसए के रिपोर्ट्स देखें तो आदमी के, हर आदमी को, ये नहीं खाली फेफड़ों को कर रहा है, हर आदमी को इफेक्ट कर रहा है, हार्ट को, किडनी को। तो सरकारें जो करें या न करें, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, शायद सरकारों के हाथ की बात नहीं रही, पर हर इंडिविजुअल को ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम लोग राशन पे, पानी पे पैसा यूज़ करते हैं, आरओ लगवाते हैं, राशन अच्छा से अच्छा खरीदते हैं बच्चों के लिए, तो कुछ पेड़ पौधे घर के अंदर, घर के बाहर भी ना हो सके तो गली में भी ना हो सके, शहर के किसी भी कोने पे 8-10 पेड़ हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को लगवाने चाहिए। ऐसा अधिकारियों की भी एक लिमिट है, जरूरत तो है कि हम अपनी सोच बदलें, पब्लिक अपनी सोच बदले, पढ़े लिखे, खासकर पढ़े लिखे लोग आज भी पॉलिथीन बैग यूज करते हैं, उनको पता है ये नुकसान, उनसे बात कीजिए, वो कहेंगे कि हमें पता है ये नुकसान करता है, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। गाड़ियों के, गाड़ी वालों को भी सोचना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गाड़ी का कम यूज़ करें या गाड़ी किसी के साथ शेयर करें तो उससे भी फर्क पड़ेगा।